भगवान का नाम लेने का उद्देश्य क्या होता है? भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए? अभी के आधुनिक जमाने में हर कोई भगवान का नाम सिर्फ और सिर्फ अपने कष्टों को दूर करने के लिए ही लेते हैं। अगर इंसान के जीवन में कष्ट ही ना आए तो इंसान भगवान का नाम लेना ही छोड़ देगा। और जो लोग भगवान का नाम ले रहे हैं उन लोगों के लिए थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि भगवान का नाम लेने का उद्देश्य क्या है, भगवान के नाम लेने से जीवन में क्या परिवर्तन होते हैं। तो आइए जानते हैं, वर्ग और वर्णों को मिलाकर एक शब्द बनता है। हमारा सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन केवल उन शब्दों के कारण ही संभव हुआ है। भाषा के माध्यम के बिना हम अपनी गतिविधियां संचालित नहीं कर सकते। भाषा के माध्यम के बिना हम अपना कोई भी कार्य नहीं कर सकते। हमारे द्वारा बोले गए हरेक शब्द की अपनी शक्ति होती है और वह अपनी प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। उदाहरण के तौर पर, यदि हम किसी फल की दुकान पर जाए और सेब मांगते हैं तो हमें केवल सेब ही मिलेगा, दूसरा कोई फल नहीं मिलेगा। एक साधारण शब्द की इतनी शक्ति है कि हम उसे सांसारिक मंत्र कहते हैं। जिस प्रकार सांसारिक मंत्र हमें उस वस्तु के संपर्क में लाता है जिसका वह सूचक है, जो चीज हमें चाहिए उसका नाम लेने से वो चीज हमें मिलती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक मंत्र हमें मानव जीवन में सर्वोच्च लक्ष्य आत्मा के संपर्क में लाता है। वह एक चेतना शक्ति है। भगवान का नाम भगवान से अलग नहीं है, मंत्र स्वयं ईश्वर है। इसीलिए जप के माध्यम से ईश्वर की अनुभूति आसान होती है। मंत्र जाप से जल्दी ही फल मिलता है। एक बार एक संत मंत्र शक्ति पर व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने समझाया, हमारे लिए मंत्र में ईश्वर के पास ले जाने की शक्ति होती है। यह सुनकर दर्शकों में से बैठे एक नास्तिक ने कहा, यह तो मूर्खता से भरी बात है। किसी शब्द को बार बार दोहराने से ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है? अगर हम रोटी 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 कहे तो क्या हमें रोटी मिल जाएगी? संत ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, बैठ जाओ मूर्ख। वह आदमी सुनकर गुस्से से कांपने लगा और उसका चेहरा लाल हो गया। तुम्हारी मुझसे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम खुद को संत कहते हो और दूसरों का अपमान करते हो। तुम कैसे आदमी हो? तुम कैसे संत हो? संत ने कहा, भाई अगर तुम्हारी भावनाएं आहत हुई हो, अगर तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मुझे खेद है, लेकिन यह बताओ कि इस समय तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? दर्शक फिर से गुस्से में, क्या आप नहीं समझते कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तब संत ने कहा, अरे भाई मैंने तुम्हें बुरा कहा और उसका तुम पर इतना गहरा असर हुआ? यदि हाँ तो भगवान का नाम आपको बदलने में शक्तिशाली क्यों नहीं हो सकता? अब शब्दों की तरह मंत्रों की भी अपनी शक्ति होती है। जबकि यदि मंत्र का पूरा फल प्राप्त करना हो तो उसके अर्थ को भी पूरी तरह समझकर ही उसका जाप करना चाहिए। जब यह समझकर जाप किया जाए कि जाप करने वाला, मंत्र का उच्चारण करने वाला और मंत्र स्वयं एक ही है तो मंत्र जल्दी ही फलीभूत होता है। दरअसल हम गलत समझकर मंत्र जप करते हैं कि मंत्र के देवता और मंत्र जपने वाला, ये तीनों अलग होते हैं। इसीलिए मंत्र का फल तुरंत प्राप्त कभी नहीं होता। अगर आप इस मामले पर सोचेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यह बात सांसारिक स्तर पर भी सच है। मान लीजिए कोई आपको मूर्ख कहता है। अब यदि आप यह स्वीकार नहीं करेंगे कि यह शब्द आपको कहा गया है तो यह शब्द आपके भीतर प्रतिक्रिया नहीं करेगा, आपके अंदर गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन
अगर आप खुद को उस शब्द से जोड़ लेंगे तो आपको गुस्सा आ जाएगा और आपका खून खौल उठेगा। जितनी आसानी से आप अपने आप को उस शब्द से जोड़ लेंगे उतनी ही आसानी से आप अपने आप को भगवान के नाम के साथ जोड़ लेंगे। आपको तुरंत इसका असर महसूस होने लगेगा। तो भगवान का नाम लेना इतना ही जरूरी है जितना हमारे जीवन में हम बिना सांस के नहीं रह सकते, बिना पानी के नहीं जी सकते। उसी तरह मंत्र भी इतना ही महत्वपूर्ण है। उसी तरह पुजारी के बिना मंदिर में पूजा संभव नहीं है, वैसे ही मंत्र के बिना भगवान की जागृति संभव नहीं है। और मंत्र मंत्र होते हैं, उसका कोई रूप नहीं होता। और अगर हम कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो बस उसका अर्थ पहले हमें समझना चाहिए, क्योंकि जिस नाम से आपको पुकारेंगे उस नाम का अर्थ ही आपको पता नहीं रहेगा तो आप कुछ भी रिएक्ट नहीं करोगे। लेकिन जिस नाम से आपको पुकारेगा कोई और उस नाम का अर्थ आपको पता होगा तो उस नाम का अर्थ अगर अच्छा हुआ तो आप अच्छा रिएक्ट करेंगे, और उस नाम का अर्थ बुरा हुआ तो आप बुरा रिएक्ट करेंगे। उसी तरह मंत्र बिना समझे बिना अर्थ के उसका कोई मतलब नहीं रहता।